नमस्ते सभी को। एक छोटी सी कहानी मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूं। एक बारी हुआ क्या, जंगल में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और जितने भी जीव जंगल में रहते हैं सबको उस प्रतियोगिता के लिए बुलाया गया कि सभी ने उसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अच्छा प्रतियोगिता क्या थी? प्रतियोगिता में यह था कि पेड़ पर चढ़ना है। ये जो पेड़ देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सफेदे का पेड़ है, इस पर चढ़ना है, पेड़ पर चढ़ना है। तो सबके सब आ गए और पता है रेस में कौन जीत गया? इस दौड़ में पेड़ पे चढ़ने वाली जो रेस हो रही थी, प्रतियोगिता हो रही थी, इसमें कौन जीता? अब लगा सकते हैं कौन जीता? तो इसमें जीत गया बंदर। अब बंदर जीत गया तो ठीक है, लेकिन अभी होता क्या है, जो जिराफ के मम्मी पापा हैं अपने बच्चों क्या कर रहे हैं, वो डांट रहे, फटकार रहे हैं कि तूने हमारी नाक कटवा दी है, सबसे लंबा जानवर मैं ही हूं और तू पेड़ पे नहीं चढ़ पाया। भालू अलग से डांट रहा है, फिर लोमड़ी आ गई है कि तू कौन है, बोले तू सबसे जो चालाक जानवर है, तू उसकी संतान है, तू पेड़ पे नहीं चढ़ पाया, तूने हमारी नाक कटवा दी, तूने हमारी इज्जत क्या है मिट्टी में डुबवा दी। और फिर हाथी भी ऐसे ही आ गया कि देख सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़े हम हैं और तू छोटे से बंदर से हार गया। और हद तो तब हो गई जब शेर भी आ गया, जंगल का राजा। जंगल का जो राजा है वो भी इस प्रतियोगिता को देख रहा था और उसके बच्चे भी इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेंट थे। और जो शेर का बच्चा, जो शेर ही था, वो भी प्रतियोगिता में हार गया और उसने तो जाके बच्चे की ढंग से ठुकाई पिटाई खूब से उसके कर दी है, उसकी अच्छे से सर्विस कर दी उस बच्चे की। और उसने बताया कि तूने तो बिल्कुल डुबवा दिया कि जो राजा का बेटा है, बता वही हार गया, तू पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। अब क्या किया, सभी के सभी ने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी है पेड़ पे चढ़ने की। अच्छा यही हमारी सोसाइटी में हो रहा है कि पड़ोसी का बच्चा IIT में सिलेक्ट हो गया, नीट में सिलेक्ट हो गया, MBBS में हो गया या लॉ में सिलेक्ट हो गया, तो अपने बच्चों को भी हम क्या कर रहे होते हैं, उसी रेस में दौड़ा रहे होते हैं। हर बच्चे में जनाब क्या होता है, सब में एक अलग टैलेंट होता है, हर बच्चे का DNA अलग है, हर बच्चे की जो उम्मीदें हैं वो अलग हैं, हर बच्चे का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है अलग है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि जहां उनका मन करे आप उनको जरूर गाइड करें, लेकिन जहां उनका मन करे उस दिशा में उनको आप काम करने दें। थैंक यू।